Very good morning to all of you. This is your moral science, chapter number 1, value, showing gratitude. Now value means we should value something. हमें क्या करना चाहिए, किसी चीज़ की respect या value करना चाहिए, and we should show gratitude. Gratitude means we should be thankful to someone or to God. जैसे कि our life is happy and we are living happily, तो अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर जस्ट हैप्पली लिविंग एंड यू आर चेयरफुल, सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हमारे लाइफ में क्या है, हैप्पीनेस है. सो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट हाउ यू शुड ट्रीट अदर्स एंड विद दैट यू शुड नॉट बी प्राउड. हमें क्या करना चाहिए, बहुत प्राउड नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए दूसरों को भी. बिकॉज ऑफ देम ओनली वी कैन स्टैंड इन अ लाइफ. हम अकेले अपनी पोजीशन नहीं बना सकते. फॉर दैट वी नीड अ फैमिली ऑल्सो, वी नीड अ फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड वी नीड अ रिलेटिव ऑल्सो. सो हूएवर इज़ हेल्पिंग यू, जिसकी वजह से आप कुछ बन रहे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू देम. सो दिस चैप्टर इज अबाउट मुकेश लाइव्स, दैट हाउ ही इज जस्ट लिविंग हैप्पीली, बट व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाई ही वाज सो सैड. मुकेश वॉज अ वेल टू बिजनेसमैन who lived with his wife and two children, and he was very self-centered. Self-centered means जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या अपने पे ध्यान देते हैं. We used to say them self-centered. तो मुकेश क्या था, despite his riches and a healthy support, he was very rarely he would just laugh. मतलब कि उसके पास बहुत पैसा था, बट फिर भी ही वॉज नॉट हैप्पी एंड वॉज अनहैप्पी होता था, दिखता था. लेकिन उसकी जो फैमिली होती थी तो उसके साथ थी. बट ही अग्रीड दैट ही शुड विजिट अ डॉक्टर. उसने सोचा कि हमें क्या मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए. देन द डॉक्टर एग्जामिन हिम एंड सेड, मुकेश टू बी ऑनेस्ट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. डॉक्टर ने उसे बोला कि यू आर फिजिकली फिट एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू आर जस्ट हीडिंग अ डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स जब आपके लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस ना हो, जिसकी वजह से आप क्या होते हैं, हमेशा सैड रहते हैं, दूसरों से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं. देन वी यूज टू से दैट डिप्रेशन, और इट इज़ ऑल इन द एटीट्यूड. वो सिर्फ एटीट्यूड में होता है, कभी आप खुश हो जाते हैं, कभी आप सैड हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. सो नाउ जैसे कि सभी के फ्रेंड्स होती है, मुकेश ऑल्सो हैज़ अ फ्रेंड हुज नेम वॉज राहुल. सो नाउ ही जस्ट वेंट टू राहुल एंड डिस्कस ऑल हिज प्रॉब्लम विद हिम, बिकॉज राहुल वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड. सो राहुल सजेस्टेड हिम टू विजिट स्वामी योगानंद शास्त्री इन हरिद्वार. नाउ द फ्रेंड सजेशन अपील टू मुकेश संतानी. उसका फुल नेम क्या था, मुकेश संतानी. ठीक है, अब कुछ दिन के अंदर क्या हुआ, देवर इन हरिद्वार, अब स्वामी योगानंद आश्रम में थे वो लोग. वेन He was ushered into Swami's chamber. अब सबके रूम होते हैं, तो चेंबर क्या है, स्वामी का रूम था. उसके अंदर वहाँ पे गया मुकेश, ही जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग कि व्हाट प्रॉब्लम ही इज़ फेसिंग. देन मुकेश स्वामी सेड टू मुकेश दैट आफ्टर हियरिंग ऑल हिम पेशेंटली, यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड. एज इन द चैप्टर फर्स्ट बिगिनिंग इट वॉज सेड कि वो सेल्फ सेंटर्ड है. सो योर प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक वॉट यू हैव इज बिकॉज ऑफ यू. सेल्फ सेंटर मतलब ये यही होता है कि जो सब अपने बारे में सोचे. तो यहाँ पे बोला गया स्वामी से, स्वामी ने मुकेश को बोला कि आप हैप्पी नहीं हो क्योंकि बहुत आप सेल्फ सेंटर्ड हो. आप सिर्फ ये सोचते हो कि आप जो भी हो वो अपने वजह से हो. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड मुकेश सेड, मुकेश ने बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं. देन मुकेश सेड हिम टू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया. सो स्वामी ने बताया कि वट एवर यू हैव, जो भी चीज़ें आपने अभी तक अचीव की है वो अपने से की है ऐसा आपको लगता है, बट इन रियालिटी यू आर नॉट, यू आर जस्ट इन ओनली एन इंस्ट्रूमेंट इन विच वट यू हैव अचीव्ड. आप एक क्या इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अचीव कर सकते हो, लेकिन उसको पाने के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प भी पड़ी होगी, फादर की, मदर की, अपने ब्रदर की. तो आपने अकेले तो उन चीज़ों को, अपने बिजनेस को नहीं स्टैंड किया है. सो आपके जो वाइफ है, आपके चिल्ड्रन है, फैमिली है, फ्रेंड्स, वो सारे ने क्या किया, आपको सपोर्ट किया है. सो बिसाइड्स यू हैव ऑलवेज हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, स्वामी एक्सप्लेन. तो स्वामी ने एक्सप्लेन किया कि आपके पास गॉड की ब्लेसिंग भी है. तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने अकेले अपने पे क्या किया, बिजनेस बनाया, और आप जो भी है वो सिर्फ अकेले ही है. येस, नाउ मुकेश एडमिटेड. अब मुकेश ने एडमिट किया कि हाँ ये तो सच है.
तो सारी जो ब्लेसिंग यू फेल दैट यू हैव अचीव एवरीथिंग बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, तो मुकेश को ऐसा लगता था कि उसको जो भी चीज़ें मिली, जितनी भी हैप्पीनेस मिली, उसने खुद से क्या करी है, उसको लिया है, इतनी मेहनत उसने की तब जाके उसको वो मिला है। तो उसकी जगह वो गॉड को ग्रेटफुल नहीं था, वो कभी थैंक यू गॉड को नहीं बोलता था, और उसकी वजह से ही वॉज वेरी प्राउड। प्राउड मीन्स जो बहुत घमंड करता है अपने पे कि मैंने सब कुछ किया है, मैं अपनी वजह से हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मुझे पैसा मिलता है इसलिए। सो स्वामी का इतना कहना था कि आपको इस चीज़ से निकलने के लिए दो ही चीज़ करनी है, एक तो जो आपके नियर वंस है, जो आपको बहुत फैमिली या बच्चे हैं, उनको आपको क्या करना है, थैंकफुल होना है, या जो भी आपकी हेल्प करता है उसको आपको थैंक यू बोलना है, और आपको गॉड को भी साथ साथ में क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है, देन ओनली यू कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस डिप्रेशन। मुकेश क्या कर रहा था, अपने हैंड्स को फोल्ड करके वो बाबा जी की बातें सारी सुन रहा था। देन आफ्टर उसको पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, कभी ईगो नहीं करना चाहिए। सो ही जस्ट टोल एवरीथिंग कि बचपन में ये सारी बातें कही गई थी कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए दूसरों को। वन डज समथिंग फॉर अस पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स और स्पाउस, चिल्ड्रेन ऑफ कोर्स गॉड। तो गॉड को तो हमेशा हमें क्या करना, थैंक यू बोलना ही चाहिए। वी मस्ट एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू ऑल हु कम अक्रॉस अवर लाइव्स एवरी डे, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। हमें उनको भी थैंक यू बोलना है जिससे हम काम करवाते हैं, जैसे कि हमारे सप्लायर्स हैं, जो एम्प्लॉय हमारे अंडर काम करते हैं उनको भी। यस स्वामी जी, मुकेश नॉट इन अग्रीमेंट, आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड माई फॉल्ट, आई एडमिट आई हैव बिन स्टिंगी इन सेइंग दैट थैंक यू। सो वो क्या कह रहा था कि मुझे थैंक यू बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ता था, मैं थैंक यू नहीं बोलता था, बट अभी उसको समझ में आ गया कि वॉट ही हैज़ टू डू, नाउ ही विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू। मुकेश समतानी, स्वामी सेड इफ़ यू लर्न टू से दिस मंत्रा, मंत्रा मीन्स अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया कि थैंक यू बोलना और आपको दिखाना है ग्रैटिट्यूड, देन यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। जितने भी आपको मिलते हैं तो आपको उनको थैंक यू बोलना, और आपको डिफरेंस खुद दिखाई देगा कि क्या प्रॉब्लम आपके अंदर थी, क्यों आप डिप्रेशन में जा रहे थे, क्योंकि जब आप थैंक यू किसी को नहीं बोलोगे तो कोई आपके पास आएगा नहीं। सपोज अगर आपने अपने फ्रेंड से पेंसिल मांगा, ठीक है, यू बोरो अ पेंसिल फ्रॉम योर फ्रेंड एंड इफ़ ही हैज़ गिवन अ पेंसिल, और नेक्स्ट टाइम अगर मतलब आपने उसको थैंक यू नहीं बोला और आपने नेक्स्ट टाइम भी उसको मांगा, तो वो क्या करेगा, अरे ये तो कभी थैंक यू नहीं बोलता, कभी मुझसे शेयर नहीं करता, तो मैं उसको क्यों करूँ, तो कोई भी आपका फ्रेंड नहीं बनेगा। सो इन द सेम मैनर मुकेश भी क्या करता था, कभी थैंक यू नहीं बोलता था, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही वॉज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इन रिटर्न। रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो रिस्पेक्ट दूसरों को देता है। नाउ अब क्या हुआ, सो द फर्स्ट पर्सन मुकेश थैंक वन इमर्जिंग फ्रॉम स्वामीज चेम्बर से उनके वहाँ से वापस आए आश्रम से, और सबसे पहले उसने किसको बोला होगा थैंक यू, ऑफकोर्स हिज फ्रेंड राहुल, क्योंकि उसी ने बाबा जी का एड्रेस दिया था जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचा और उसको वहाँ पे सोल्यूशन मिला। तो सबसे पहले उसने राहुल को थैंक यू बोला, देन आफ्टर अपने वाइफ को, अपने बच्चों को जो इतना प्यार देते, इतना हेल्प करते, इतना सपोर्ट देते, उनको थैंक यू बोला, जितने उसके एम्प्लॉयज थे, सप्लायर्स थे, सबको उसने क्या बोला, थैंक यू बोला। और जब से ऐसा मुकेश ने करना स्टार्ट किया तो उसको सडन चेंज मुकेश के एटीट्यूड में दिखा, और जिसकी वजह से ही ब्रॉट हैप्पीनेस टू हिम हिज फैमिली एम्प्लॉयज। मुकेश शोड हिज ग्रेटिट्यूड इवन टू अदर पीपल हु केम इन टू कॉन्टैक्ट विद हिम। अब से जो भी उसके लाइफ में आते वो सबको क्या दिखाता है, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, और अच्छा नहीं नेचर दिखाता है, जिसकी वजह से कि वो हैप्पी होता है। नाउ ही वॉज अ चेयरफुल पर्सन हुम एवरी वन लाइक टू डील विद। पहले क्या करता था, बहुत सेल्फ सेंटर था, वो किसी से बोलता नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, अब सारे लोग उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो सबको क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, सबको अच्छे से डील करता है। सो दिस बिकॉज ऑफ इट एवरी वन इज वेरी हैप्पी। सो विद दिस यू गेट अ मोरल दैट वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वन, और हमें छोटे बड़े सभी को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए, और थैंक यू तो सबसे ज़्यादा गोल्डन वर्ड होता है। अगर आपने ये बोल दिया तो इससे क्या होता है, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, और आपकी भी हेल्प हो जाएगी, एंड देन यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप किसी के पास जा सकते हो, बट अगर आप किसी को थैंक यू नहीं बोलते या किसी के साथ किसी भी टाइप की हेल्प नहीं करोगे तो कोई आपकी भी हेल्प नहीं करेगा, और उसकी वजह से आप भी क्या हो जाओगे, डिप्रेशन में जा सकते हो। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड हेल्प अदर्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू।